हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आयुर्वेदा। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा में जितनी भी प्राइवेट बीएएमएस कॉलेजेस है ना, टोटल प्राइवेट बीएएमएस कॉलेजेस के बारे में जो हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सी कॉलेज में जो है कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट है, ठीक है, कितनी इनटेक है कॉलेजेस में, क्या ट्यूशन फी रहने वाली है, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वो कॉलेज कितने साल पुरानी है, यानी कि उसकी स्टेबलाइजेशन ईयर की भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कितनी है हरियाणा में, ठीक है। तो देखिए, इसमें कन्फ्यूजन क्या रह जाती है ना कि हरियाणा में वैसे कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, बट मैं उन्हीं कॉलेजेस की बात करूंगा जिनको NCISM ने परमिशन दिया हुआ है, यानी कि जिस कॉलेज को अफिलिएशन मिलती है ना हर साल नए सेशन में, न्यू बैचेस में एडमिशन के लिए, उन्हीं कॉलेजेस की हम बात करेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलेज है 11, ओके, और टोटल नंबर ऑफ सीट होता है इन 11 कॉलेजेस में 920। अब हम एक एक कॉलेज को डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉलेज है हमारा वो है श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। बच्चों, आप सबको बता दूं कि पूरे नॉर्थ में जो सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है, सबको पता है, पतंजलि है। सेकंड नंबर पे धन्वंतरी कॉलेज का स्थान है, सेकंड बेस्ट कॉलेज माना जाता है, ठीक है। इस कॉलेज की जो अगर स्टेबलाइजेशन की बात करें तो यह कॉलेज स्टेबलाइज हुआ था 1979 में और टोटल नंबर ऑफ इंटेक है इसमें 100। चूंकि हर कॉलेज में जो है पता ही आपको कि 15% सीट ऑल इंडिया कोटा की होती है, ठीक, तो यहां पे भी जो है 15 सीट जो है ऑल इंडिया कोटा की है और 85 सीट जो है वहां पे वो स्टेट कोटा की है, ठीक है। ट्यूशन फी की अगर बात करें तो 3,10,000 रुपीज जो है ट्यूशन फी इस कॉलेज की बताई गई है। अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन क्या होती है, मैंने तो बता दिया 3,10,000 रुपया। अब कल को आप एडमिशन लेने जाते हैं तो 2,000-4,000 एक्स्ट्रा चार्ज भी मांगती है कॉलेजेस किसी ना किसी, इसमें थोड़ा बहुत जो है ना प्लस माइनस होता रहता है, ठीक है। और कभी कभी ये भी होता है कि नए सेशन में जो फीस बढ़ जाती है, ठीक। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो हम देखेंगे, जो कि है आपका गौर ब्राह्मण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि रोहतक में सिचुएटेड है, ठीक है। एस्टेब्लाइज हुआ था ये कॉलेज 1974 में और टोटल नंबर ऑफ इंटेक है इसमें 100, ठीक। उसी प्रकार जो है 15 ऑल इंडिया कोटा का और 85 जो है वो स्टेट कोटा का हो गया। ट्यूशन फीस की 3,23,110, ठीक। नेक्स्ट जो कॉलेज है आपका गंगापुत्र आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि जिंद में सिचुएटेड है, एस्टेब्लाइज हुआ था 2015 में और टोटल नंबर ऑफ इंटेक है इसमें भी 100, वही 15 जो आपका ऑल इंडिया कोटा का और 85 जो है आपका स्टेट कोटा का। ट्यूशन फी की बात करें अगर तो ट्यूशन फीस की 2,75,000 रुपया साल का ट्यूशन फी है, ओके। फिर नेक्स्ट कॉलेज है श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये कॉलेज जो है रोहतक में सिचुएटेड है और यह कॉलेज एस्टेब्लाइज हुआ था 1974 में, टोटल नंबर ऑफ इंटेक इसमें भी जो है 100 की है और ट्यूशन फीस की 3,10,000 रुपीज धन्वंतरी की और इसकी ट्यूशन फीस सेम है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें अगर तो वह है आपका चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। एस्टेब्लाइज हुआ था यह कॉलेज 2002 में और टोटल नंबर ऑफ इंटेक है इसमें 60 सीट है, जिसमें 9 जो है आपका ऑल इंडिया कोटा का है और 51 जो है हरियाणा के बच्चों के लिए स्टेट कोटा की सीट है, ठीक है। ट्यूशन फीस की 2,81,000 रुपीज पर ईयर, 2,81,000 रुपया आपको एवरी ईयर पे करना पड़ेगा इस कॉलेज में एडमिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो कॉलेज है वो है आपका लाल बहादुर शास्त्री आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि यमुनानगर में सिचुएटेड है। एस्टेब्लाइजेशन की बात करें तो यह कॉलेज 1976 से रन कर रही है, ये भी काफी पुरानी कॉलेज है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंटेक इसमें 50 है, जिसमें जो है आपका 15% सीट जो होता है वो ऑल इंडिया कोटा का और 85% इसमें भी जो है वो स्टेट कोटा की सीट है। ट्यूशन फी की बात करें तो 3,08,000 रुपीज, 3,08,000 रुपया जो आपको सालाना यहाँ पे करना पड़ता है। नेक्स्ट जो कॉलेज है आपका वो है नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड हॉस्पिटल, जो कि बरवाला में ये सिचुएटेड है कॉलेज, ठीक है। स्टेबलाइजेशन की बात करें तो यह कॉलेज 2013 से रन कर रहा है और टोटल नंबर ऑफ इंटेक इसमें 100 है। 100, अब इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसमें किसी समय जो है 100 सीट की परमिशन मिलती है और किसी समय जो है 60 सीटों की परमिशन मिलती है, वो पता चलेगा काउंसलिंग के समय, ठीक है। और ट्यूशन फी की बात करें तो टोटल जो है 3,00,000 रुपीज तक ये लोग ले लेते हैं। वैसे ट्यूशन फी जो है थोड़ा सा कम है, बाकी जो एडिशनल चार्जेस मिला के जो है ना उनका 3,00,000 रुपीज तक पर ईयर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉलेज है आपका SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव जो में सिचुएटेड है और ये पूरी यूनिवर्सिटी है, एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है, बट इसकी जो BAMS है ना वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, ठीक है। तो एस्टेब्लाइजेशन की बात करें तो 2015 से ये कॉलेज रन कर रहा है और टोटल नंबर ऑफ इंटेक इसमें 100 है, जिसमें वही ऑल इंडिया कोटा की जो है 15 सीट है और आपका 85 सीट जो है वो हरियाणा के बच्चों के लिए स्टेट कोटा के है, ठीक है। ट्यूशन फी की बात करें तो 4,10,000 रुपये साल का ट्यूशन फी आपको पे करना पड़ेगा।
410,000। अगर ये बहुत ज़्यादा लग रहा है आपके लिए बजट, ठीक है, अगर आपके बजट में ये कॉलेजेस नहीं है हरियाणा की, तो आप दूसरे स्टेट में भी देख सकते हैं। आप उत्तराखंड देख सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश देख सकते हैं, आप पंजाब देख सकते हैं आपके नियर में जो है। अगर आपको नहीं आइडिया है कि कम बजट में कहाँ पे कॉलेजेस मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए और हमारे पेड काउंसलिंग द्वारा एक कम बजट में अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं आप हमारे गाइडेंस से, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलेज को देखते हैं कौन सा कॉलेज है। नेक्स्ट जो है आपका आयु ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि सिरसा में है, ठीक है। स्टेबलाइजेशन की बात करें तो 2010 से ये कॉलेज रन कर रहा है और टोटल नंबर ऑफ इनटेक इसमें 50 है, 50 जो है इसमें सीट है। और इसकी भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों, कभी इसकी परमिशन आती है कभी नहीं आती है। ट्यूशन फी की बात करें तो 2,76,800 रुपया इस कॉलेज की ट्यूशन फी है। हालांकि जितनी भी कॉलेजेस है हरियाणा की, ठीक कॉलेजेस है, कोई भी कॉलेज खराब नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके बजट में नहीं है, क्योंकि ये जो फीस मैं बता रहा हूँ ना, ये हो गया SGT की फीस 4,10,000 था, यह विदाउट हॉस्टल है। अगर हॉस्टल मिलाया जाए तो 80,000 कहीं पे, 90,000 कहीं पे, 1,00,000 रुपये जाता है, प्लस सिक्योरिटी मनी 50,000 के आसपास लिया जाता है सभी कॉलेजेस में, ठीक है। तो आपका 5,00,000 तक जो है आपका लगभग फर्स्ट ईयर में चला जाता है। अगर आपके पास इतना बजट है तो आप बिल्कुल हरियाणा में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट की दिक्कत है तो आप जो है हमारे द्वारा एक कम बजट में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसके लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, आप कॉल करके हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस इनहेल करा के हमारे द्वारा गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉलेज है आपका वो है BDM कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा साइंस एंड हॉस्पिटल, ठीक है। नया कॉलेज है ये, बहुत पुराना कॉलेज नहीं बोलेंगे और अच्छा कॉलेज है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इनटेक अगर इसमें बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 100 की इनटेक है, जिसमें 15 आपका ऑल इंडिया कोटा का हो गया और 85 सीट जो हो गया वो स्टेट कोटा का हो गया। ट्यूशन फी की बात करें तो 2,40,000 रुपया साल का यहाँ पे फीस बताया गया है। हालांकि जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो बहुत सी एडिशनल चार्ज जोड़ दी जाती है, उसमें 3,00,000, 3,00,000, 3,50,000 तक इसको कर दिया जाता है पूरा, बट गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियली फीस है ना वो 2,40,000 रुपया है, ठीक। नेक्स्ट जो कॉलेज है यहाँ पे वह आपका मुरारी लाल रसिया वाला आयुर्वेदिक कॉलेज, ठीक है। यह कॉलेज जो है स्टेबलाइज हुआ था 2002 में और टोटल नंबर ऑफ इनटेक है इसमें 60 की, जिसमें आपका जो है 9 सीट हो गया ऑल इंडिया कोटा का और 51 सीट हो गया आपका स्टेट कोटा का, ठीक। ट्यूशन फी की बात करें तो 3,360 रुपीज़, 3,360 रुपया एवरी ईयर आपको जो है पे करना पड़ता है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो बच्चों ये थी हरियाणा की प्राइवेट BAMS कॉलेजेस, ठीक है। जैसा कि मैंने बीच में बताया कि अगर बजट में नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप कम बजट में देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि विथ हॉस्टल जो आपका 3,00,000, 3.5 लाख में विथ हॉस्टल हो जाए सारी चीज़ें, तो कोई बात नहीं, बहुत से ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। आपको निराश तराश नहीं होना है, बहुत से ऑप्शन है जहां पे आपके बजट में आपको कॉलेज मिल सकता है। और अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी है ना तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आप उत्तराखंड साइड देख सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश साइड देख सकते हैं, आप जो है पंजाब में देख सकते हैं। मैं पिछले 4 सालों से बच्चों काउंसलिंग करा रहा हूँ आयुष की, ठीक है। BAMS, BHMS, BUMS किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आप हमारे टीम द्वारा बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर पे आपको कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक छोटी सी पेड काउंसलिंग सर्विस चार्ज पे करना पड़ता है आपको, हमारी पेड काउंसलिंग इनहेल करके आप जो है हमारे द्वारा गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये हमने बात किया हरियाणा के कॉलेजेस के बारे में। और भी अगर दूसरे स्टेट की वीडियो देखना चाहते हैं आप तो कमेंट करके बताएं। ऑलरेडी हमने सभी स्टेट की कॉलेजेस के बारे में बता रखा है अपने चैनल पे, तो जाकर चैनल विजिट करें आप। और भी ऐसी ढेर सारी वीडियो के लिए आप जो हमारे यूट्यूब चैनल दियर वेदा को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।